वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि मैं ऑलरेडी क्लास 10th का जो है सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है आप लोग का स्टडी कराया जाएगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि मैथ साइंस इसी चैनल पे जो है कराया जाएगा। वेलकम है आप सभी का क्लास 10th वाले बच्चों का। तो अमृत सर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ देख सकते हो और नोट आउट कर सकते हो। जो भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आज जो हमें रीड करना है एनसीईआरटी मैथ यानी कि क्लास 10th के लिए और रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और प्रश्न संख्या जो है आप लोग को मुझे बताना अच्छा लगा, क्योंकि जिन बच्चों की आवश्यकता होगी वही बच्चे जो है इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा कोई बच्चा हो जो है नहीं देख सकता है। तो क्वेश्चन संख्या 2, 3, 4 और 5, यह चारों क्वेश्चन जो है वीवीआई है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एवरीडे जो है लाइव क्लासेस मेरी होती है 8 PM में, यानी कि 8 बजे जो है मेरी लाइव क्लास होती है। तो जिन बच्चों को शाम को 8 बजे समय है वो मेरे लाइव क्लास सेशन में शामिल हो सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी बोले गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज जो है 1.1 और क्वेश्चन संख्या जो है 2। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन संख्या 1 जो है आप लोगों को पढ़ा रखा है, आज क्वेश्चन संख्या 2 पढ़ाना है हमें। और यह मेरा इंस्टाग्राम का नेम है Amrish7591। अगर कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहता है फॉलो कर सकता है और मेरे साथ जुड़ सकता है। तो आज जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। हमने इससे के पहले जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था। यह प्रश्न जो है हमें लेमा विधि से जो है सॉल्व करना है। तो लेमा विधि से जो है इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है। देखिए 6q+1, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको क्या लिखना होगा, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद यहां लिखना होगा क्या माना कि। जब तक इस प्रश्न को मानिएगा नहीं तो प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लेते हैं क्या ए, ठीक है, विषम पूर्णांक हम मान सकते हैं क्या ए, जो 6 से क्या है 12 है, जो 6 से 12 है, यानी आप ले सकते हो भाजक बराबर का सिर्फ 6। भाजक भी आप ले सकते हो 6। अब भाजक 6 लिखे हैं कैसे, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। आप भाग देते हैं तो इस वाली संख्या को हम क्या लिखते हैं भाजक, और यहां पे होता है मेरा भाज्य और यहां पे होता है भागफल और कुछ ना कुछ संख्या बच जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या शेष, यही ना होता है जी। तो चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे बोला है 6q+1 यानी कि भाजक को हम क्या माने हैं 6 माने हैं, तो हम भाजक को 6 करते हैं और भाज्य मेरा क्या है तो हम मान ली है क्या ए। तो ऑब्वियस है कि आपके पास भागफल क्या होगा क्यू होगा और शेषफल क्या है आपके पास आर। तो आप सभी लोग जानते हो कि शेषफल भाजक से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, शेषफल भाजक से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो छोटा क्या हो जाएगा आपके पास शेषफल, शेषफल 6 से छोटा क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या छोटा हो सकता है कि नहीं, शेषफल भाजक से शेषफल छोटा हो सकता है कि नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां आप दर्शाइएगा क्या कि अर्थात शेषफल कितना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह जो है आपके पास शेषफल आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है नोट कर देना है,
तो नोट आपने कर देना है। तो बोले यहां तक सभी को क्लियर है, तो हम आगे चले। फिर अब आपको जो है लेम्बा का प्रयोग करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके जो है इस प्रश्न को हमें हल कर लेनी है, बिल्कुल आसान तरीका से। अब इसमें कोई भी आपको दिक्कत भी नहीं आई, ठीक है। चलिए, तो यहां हम लिखेंगे क्या, शेषफल, यानी कि हम सबसे पहले बना लेंगे केस वन, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। और केस वन में सॉल्व करने से के लिए कि यानी शेषफल आपके पास क्या है, पहले जीरो पुट आउट करना है। तो कौन सी विधि का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने लिख दिया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर। यानी कि ए तो आपके पास कुछ नहीं दिया गया है, बी क्या है, भाजक क्या है आपके पास, 6 है, और क्यू यानी कि भागफल कुछ दिया नहीं है, क्यू ऑलरेडी है, शेषफल मेरे पास क्या है, तो यहाँ 0 है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। या केस वन जो है कंप्लीट हुआ। अब उसी प्रकार इसको केस टू में रख लीजिए। केस टू में आर इक्वल क्या हम रख सकते हैं, हम 1 रखते हैं, चलो 1। यहां लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रेमिका से, यानी कि ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस का 1। यह जो है आपका एक कंप्लीट हुआ। अब उसी प्रकार बनाइए फिर केस थ्री। अब केस थ्री में फिर वही लिखना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ए ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर, यानी ए बराबर 6 क्यू प्लस का 1। सॉरी कितना था, हमने क्या रखा है, आर इक्वल 1, आर इक्वल 1 था ना, तो केस टू में हमें रखना है आर इक्वल 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2। ओके, अब चलते हैं, केस टू 1 हो गया, 2 हो गया, केस 3 हो गया। अब केस 4 पे चलते हैं हम आगे, तो लिखेंगे यहां केस 4, केस 4 यानी आर इक्वल कितना, 3, ठीक है। अब यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर। ओके, अब ए आपके पास तो कुछ नहीं, तो हम ए रखेंगे, बी मेरे पास भाजक था 6, क्यू कुछ नहीं था, आर कितना है आपके पास, 3, 1 हो गया। अब केस 5 बना लीजिए, यानी कि आर इक्वल 4, देखिए फिर वही चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी ए बराबर 6 क्यू प्लस का 4। और फिर केस 4, 5 कंप्लीट हुआ, तो केस 6 कर लीजिए, यानी आर इक्वल 5, ठीक है। वही चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस का 5। एक चीज हो गया। अब आपको यहाँ आंसर में क्या मेंशन करना है, कि कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या जो है विषम संख्या है, यही चीज को जो है आपको नोट कर देना है। तो आपने अभी तक क्या निकाला है, किस अर्थ, यहाँ लिखिए अर्थात, हाँ, 6 क्यू प्लस का 0, 6 क्यू प्लस का 1, 6 क्यू प्लस का 2, 6 क्यू प्लस का 3, और 6 क्यू प्लस का 4, और यहाँ पे क्या था, 6 क्यू प्लस का 5। अब इसमें सम संख्या विषम संख्या चुन लेनी है, तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आप, सम संख्या यहाँ पे कौन सी होगी, यानी 6 क्यू प्लस का 0, ये सम संख्या हो रही है, और 6 प्लस का 2, यानी 6 2 8 हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो रही है। अर्थात जितने भी संख्या बजे, 6 4 10, यानी कि 6 क्यू प्लस का
फोर ये भी एक संख्या बन रही है। अब तो कोई विषम संख्या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब विषम संख्या में कौन सी संख्या दिख रही है? विषम संख्या में देख लीजिए तो 6 क्यूब प्लस का 1 यानी 6 1 7 और 6 क्यूब प्लस का 3 6 3 9 6 5 11 6 क्यूब प्लस का 5 ये विषम संख्या दिख रही है। यही करके आपको आंसर दे देनी है। तो बोलिए क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार था, बिल्कुल समझ में सबको आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर, क्वेश्चन संख्या 3 पे चले। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 जो है आपके सामने यहां है। क्वेश्चन संख्या 3 जो है यहां दिख रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 616 और 32 ही दिया गया है, 616 सदस्य और 32 सदस्य वाले दो जो टीम है आर्मी के बैंड के पीछे जो क्या करना है, मार्च करना है। और दोनों समूह को यानी दोनों सदस्य के समूह को एक साथ जो है स्तंभ में मार्च करना है। कौन सी संख्या अधिक है यही संख्या जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है सॉल्व। और यहाँ कितना दिया गया है, 616 और कितना दिया गया है, 32। यहाँ दो ही संख्या दिया है तो ऑब्वियस है कि आपको देखने में ये संख्या लग रही है कि यह जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो है हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो सॉल्व लिख के 616 और 32 हमने लिख दिया। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या को ए मानेंगे तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानेंगे। ठीक है, अब दोनों में सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 616 या 32? तो ऑब्वियस है कि 616 बड़ी संख्या दिख रही है और छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो 32 दिख रही है। तो क्यों ना हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है इस प्रश्न को हल कर ले, हम यही कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब तो हमने लिख दिया, अब इस संख्या को एचसीएफ हमें निकाल लेना है। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से जो हमें भाग दे देना है। जरूर ऐसे भाग देकर दिखाइएगा जरूर, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर मत डाल दीजिएगा। तो 32 में अगर हम 1 से करते हैं तो 32 से कम 32, 2 से करते हैं तो 2 2 4 3 2 6 64 हो जाएगा, यानी 31 छोटा हो जाएगा 64 बड़ा हो जाएगा। तो हम एक बार में इसे लेके चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 32। माइनस करते इसमें से 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें 7 से लेते 11 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। और यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2। और ये 6 संख्या उतार दीजिए। अब देखिए 32 में हम कितनी संख्या से जो है भाग देंगे, क्योंकि शेषफल अधिक है और भाजक जो है छोटा है, तो अभी संख्या से हम भाग देंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ पे सब संख्या बड़ी संख्या में चल के चलते हैं तो 32 में 9 से देख के देखते हैं एक बार, 9 2 18 1, 9 3 27 1 28 288 आ रहा है। तो हम 9 बार में यहाँ जाएंगे और 288 यहाँ लिख देंगे, माइनस कर देते हैं। 12 में से 6 जाएगा तो कितना, सॉरी 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ 8 8 0 2 2 0, यानी कि शेषफल जो है आपके पास आ गया, शेषफल छोटा आ गया भाजक से। तो हम इसको ऑब्वियस है कि अब इसको हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे, इसको हम भाज्य बना लेते हैं 32। अब यानी कि केस वन यहीं तक आपका समाप्त होता है। तो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे केस वन। ए आपके पास कितना है, 616। बी कितना है आपके पास, 32। क्यू कितना है, 19। आर कितना है आपके पास, 8। अभी आपके पास 0 नहीं आया तो नॉट इक्वल का यहाँ 0 मेंशन कर दीजिए। तो देखिए अड़चौ का कितना हो जाएगा, 32। यानी शेषफल आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया।
तो यानी केस टू में जो है आपके पास शून्य आ गया, तो केस टू यानी कि कितना है आपके पास 32 इक्वल का कितना है 8, गुणे का कितना हो जाएगा 4, और शेषफल जो है 0, यानी कि इक्वल का आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो इस प्रकार आज एससीएफ निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, एससीएफ आपका कितना हो जाएगा कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं और भाग देने के उपरांत अगर आपके पास शेषफल आ जाता है शून्य, तो वह संख्या हो जाती है मेरी क्या, एससीएफ, यानी कि 8 जो हो जाएगा आपके पास एससीएफ हो जाएगा। यही जो है आपको निकालना था, ये आंसर। तो बोलिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका लेके आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन संख्या जो है 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पे। क्वेश्चन संख्या 4 जो है बहुत मजेदार है। क्वेश्चन संख्या 4, अब यहाँ क्वेश्चन संख्या 4 देख सकते हैं आराम से आप, कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में क्या दिया गया है, इस चीज को यहां देखिएगा कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, या 3q, 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे आपको प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है, और यहाँ पे जो आपके पास विषम पूर्णांक m है वह m 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है या नहीं, हो सकता है तो उनके वर्ग करके उन्हें फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो जो पहले हमने क्वेश्चन संख्या 2 किया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन संख्या 4 भी हमें करना है। बस इसमें हमें एक चीज करना है कि इसका हमें वर्ग करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, माना कि पूर्णांक क्या है आपके पास। मान लीजिए कि पूर्णांक आपके पास यहां मान लेते हैं हम ए है। चलिए पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, और यहां बी जो है भाजक क्या आ जाएगा, यहां बी क्या आ जाएगा आपके पास 3, क्योंकि 3m के रूप में आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी शेषफल जो है आपके पास कितना आ जाएगा, यानी कि शेषफल, सॉरी शेषफल, हाँ शेषफल जो है आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 3 से छोटा होना चाहिए शेषफल ना, तो 0 + 1, और यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 3 भी ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0, 1, 2, 3 आपको हटा देते हैं ना, 3 को हटा देंगे क्योंकि 3 नहीं रखेंगे, हाँ 0, 1, 2 रख सकते हैं, 0, 1 और यहाँ पे 2 हम दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग आपको समझा दिया गया है कि 3m+1 के रूप पे है। तो भाजक जो है आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, क्योंकि जब आप भाग दीजिएगा तो भागफल जो है, शेषफल जो है 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि शेषफल इससे छोटा होना चाहिए 3 से, तो 0, 1, 2 हमने 3 यहाँ पे दर्ज कर दिया। अब जो हमें कौन सी निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यानी कि ए बराबर BQ+R, यही फॉर्मूला यूज करना है। इसी में भी हमें केस वन ही लेके बनाना है, केस वन यानी शेषफल R इक्वल कितना, तो पहले हम ले लेंगे 0, R इक्वल कितना, तो 0, यानी कि A बराबर, तो हम A रखेंगे यहाँ पे, B कितना है मेरे पास 3, Q का मान तो कुछ दिया नहीं गया है ना, तो 3m के रूप में है, तो 3m यहाँ दर्ज कर सकते हैं, प्लस का कितना 0, यानी कि a इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 3, यानी एक इक्वेशन जो है आपके पास यह कंप्लीट हुआ। अब केस टू में वैसे ही चलेंगे। अब तो केस टू में जाने से पहले हमें क्या करना है, सबका क्या करना है, वर्ग करना है। यहां देखिए इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है हमें। तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो a का स्क्वायर इक्वल में 3m का स्क्वायर, यही करना है ना। चलो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3m, यही होगा ना, 3m × 3m,
यही होगा, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9m का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3m का स्क्वायर, यानी कि आपके पास m कितना आया, आपके पास m कितना आया, तो यहां लिखिए इसीलिए मान लेंगे कि क्या 3m स्क्वायर इक्वल कितना है 3m। तो ए स्क्वायर बराबर फिर लिख दीजिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर बराबर 3m का रूप है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यह एक केस जो है आपने निकाल लिए स्क्वायर करके। तो बोलिए कोई दिक्कत हुआ यहाँ, अगर फिर भी दिक्कत आया होगा तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर a का वर्ग करना है, स्क्वायर आपको करना है ना, इसमें बोला गया वर्ग करना है आपको, हर हाल में वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर इक्वल में 3m का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 3m, तब तो 9m का स्क्वायर होगा, 3 × 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3। तो ए स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 9, 3m। तो 3m स्क्वायर इक्वल क्या मान लेंगे हम 3m, तो ए स्क्वायर बराबर 3m का रूप का है। क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, यानी कि r इक्वल 1 पे। तो r इक्वल हम 1 रखते हैं यहाँ पे, r इक्वल 1, वही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो a बराबर bq प्लस का r, a बराबर bq प्लस का r, तो यानी कि a आपके पास क्या है, तो a तो a है, b क्या है 3 है, q क्या है m है, और आपके पास शेषफल कितना है तो 1 है। अब यहीं पे जो है आपका दो इक्वेशन तैयार हो गया ना, अब यहीं पे आपको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर कर लिए या वर्ग लिखिए, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, तो वर्क कर लेते हैं हम, तो a बराबर 3m प्लस का 1। अब इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 3m स्क्वायर और प्लस का 1। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस का 1 का स्क्वायर। तो यानी यह कौन सा फॉर्मेट में दिख रहा है, a प्लस b का स्क्वायर में दिख रहा है ना, यह दिख रहा है किसमें, a प्लस b के फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं, a प्लस b के स्क्वायर के फॉर्मेट में ये दिख रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, चलो लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना, इसका याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे क्या, ए स्क्वायर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस बी स्क्वायर क्या है 1 प्लस 2, ये क्या है 3m, b कितना है आपके पास 1। तो 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा आपके पास, प्लस 3 दूना 6m, ये होगा ना, और प्लस का जो है 1 है तो हम 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 प्लस 1 का रूप का है। ठीक है, प्लस का 1। आप देखेंगे आप कॉमन कर लेते हैं अगर 3 हम, तो आपके पास क्या बचेगा, तितरी का 9 3m के स्क्वायर और 3 दूना 6 2m, यानी कि हम यहां मान सकते हैं ना, तो मानेंगे क्या, मानेंगे बताइए कि 3m स्क्वायर बराबर क्या है आपके पास 2m, तो लिख सकते हैं, तो 3m प्लस 1 के रूप का है इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर। अब जो है हमें केस 3 फाइंड आउट कर लेना है, केस क्या करना है हमें, 3 फाइंड आउट करना है। तो मैं कलर ले लेता हूं दूसरा, तो हम यहां केस 3 निकाल लेंगे, यानी कि r इक्वल कितना 2, यही करना है ना हमें, r इक्वल 2। चलो यहां पे लिखें क्या, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम निकाल लेंगे, यानी कि a बराबर bq प्लस का कितना r। तो चलो यही फॉर्मेट हम इसमें भी पुट आउट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा a बराबर 3m प्लस का क्या 2,
यह जो है आपके पास निकल गया इतना। अब यह फॉर्मेट निकालने के बाद जो है आप कैसे निकालिएगा, यानी कि इसका भी तो स्क्वायर आपको करना है, इसका भी तो स्क्वायर करना है। तो इसको स्क्वायर करने के लिए क्या लिखना है, हमें स्क्वायर कर देना है, यानी कि ए बराबर 3m+2। जब इसको वर्क करिएगा तो ए बराबर 3m+2 का वर्ग, ये करना है ना हमें। तो चलो करेंगे, ए का वर्ग करना है तो ए कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे भी जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, तो ए बराबर तो ए स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस का 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, यही लगाएंगे ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसी चीज मान को उठा ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस का 2a, और यहाँ पे कितना है आपके पास b, ठीक है। चलो 3 का वर्ग करोगे तो 9 का स्क्वायर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे रखेंगे 3 दूना 6, और सॉरी m मेरा छूटा है यहाँ पे, 3 दूना कितना करेंगे 6m, और इंटू में अभी 2 है तो 2 इसको रखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9m का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 दूना 12m, और आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अभी +1 यहाँ पे छूट रहा है, तो हम +1 को यहाँ दर्ज कर देंगे, ओके। चलो अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 3, हम 3 कॉमन कर ले, चलो 3 कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आती 3 का 9, 3m का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 3 12m प्लस का कितना हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ 4 जो बचा हुआ है, या 4 जो बचा हुआ है इसको हम साइड में लिख के यहाँ पे बट्टा में हम m करके प्लस में हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 4 लिख दें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4। तो कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है, कोई यहां दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखेंगे ये किस रूप में है, तो हम इसको भी मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 3m+1 के रूप का है, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको आंसर में क्या लिखना है, तो यहां लिख दीजिए आंसर में समीकरण 1, 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। से साबित होता है कि थ्री एम प्लस 3m+1 के रूप का है, यह हो जाएगा आपके पास आंसर। तो बोलिए बिल्कुल आसान था, एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को आपने समझा। अब आखिरी क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 5 है, जो भी इसी प्रकार है 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया उसी प्रकार जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन, इसमें बोल दिया है घन, उसमें बोला था स्क्वायर, यानी घन मतलब क्या हो गया क्यूब, घन मतलब क्या होगा क्यूब, यानी कि पावर में क्यूब होना चाहिए, ठीक है। इसमें उसको स्क्वायर दिया था, यानी वर्क करने के लिए बोला था, इसमें घन करने के लिए बोला है। 9m, 9m+1 या 9m+1, मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, मेरे पास बुक भी नहीं है। 9m+1, 9m या 9m2 होगा इसका, मुझे तो लग रहा है 2 ही होगा। 9m+9m+9+8 है यहाँ पे, 8 होगा, ठीक है, 8 के रूप का होता है, यही क्वेश्चन है इसमें भी, इसी को हम डालेंगे क्या यहाँ पे सॉल्व, और वही चीज जो हमने पहले लिखा, माना कि धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मान लेंगे ए, और बी जो है आपके पास क्या है यहाँ पे, बी कितना दिखाएंगे भाई, यहाँ भी हम बी जो है 3 ही दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 3 ही दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो तितरी का कितना हो जाएगा आपके पास 9, तो यहाँ भी हम बी जो है 3 दिखाएंगे, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा 0, 1 और यहाँ पे 2, ये हुआ ना। हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है,
यूक्लिड, विभाजन, प्रमेयिका से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो चलिए हम आर बराबर मान लेते हैं, पहला ही हम निकाल लेते हैं जीरो से, यानी कि जीरो आपके पास कितना है केस वन में, ए, बी कितना है थ्री, एम है तो एम रखेंगे, आर कितना है आपके पास जीरो। यह जो है आपके पास एक इक्वेशन निकल आया, यह चीज तो क्लियर है, यानी कि ए बराबर कितना लिख सकते हैं थ्री एम, ये लिखेंगे ना। अब इसका जो हमें घन करना है, तो घन करने पर जब इसको हम घन करेंगे, यानी ए बराबर थ्री एम का घन करेंगे क्यूब, घन मतलब क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर कितना, इसको भी घन करो ना, तीतरी का नौ तेरी सत्ताईस, सत्ताईस एम क्यूब, यानी कि इसको आप अलग लो तो नौ को कॉमन कर लो ना, नौ तेरी सत्ताईस एम, यानी कि यह किसके रूप का हो गया, नौ एम के रूप का है इक्वेशन नंबर वन, एकदम सिंपल था। अब उसी प्रकार केस टू भी इसको उसी तरह लेके चलेंगे, केस टू में आर इक्वल कितना तो वन, कौन सी विधि यूज करना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी कि ए बराबर कितना 3m, 3m प्लस का कितना वन। अब यह तो रूप का हो गया ना भाई, अब जो है इसे हमें कौन क्या करना है, हमें घन करने पर। जब हम घन करेंगे इसको, घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m प्लस वन, यानी कि ए क्यूब, ए क्यूब इक्वल 3m प्लस का वन का क्यूब। चलो इसको करो आप फटाफट, यानी कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला किसे याद है, सभी को याद होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का क्या होता है थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का क्या होता है थ्री बी स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी पे मान को बैठा लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 3m, यानी कि ए क्यूब यानी कि 3m का क्यूब, b कितना है 1 का क्यूब प्लस 3 है इंटू 3m का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3 b इंटू 1 और a कितना है आपके पास 3m, यही होगा ना। चलो 3 का वर्ग करोगे तो 27, 27m क्यूब प्लस वन कवर करोगे तो वन ही होगा, तीतरी का नौ, नौतरी कितना हो जाएगा 27m प्लस तीतरी का 9m और प्लस वन है तो वन ही वाला लगेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि 27m क्यूब प्लस 27 नौ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 नौ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36m प्लस का वन। इतना पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लीजिए। तो हम 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तीतरी का 9, m का क्यूब प्लस 9 चौक का कितना हो जाएगा 36, 36m प्लस का कितना वन, पावर में कितना जाएगा आपके पास वन, यानी कि इसीलिए 9m प्लस वन के रूप का भी है इक्वेशन नंबर टू। आप केस थ्री वैसे ही बना लीजिए, आर इक्वल कितना था इसमें, वन था ना, टू था, टू वन टू होगा। अब यहां लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3m, 3m प्लस का कितना 2। अब ये रूप तो आपका तैयार है, अब आपको क्या करना है इसमें घन करना है, घन करने पर यानी ए क्यूब बराबर में
थ्री एम प्लस टू का घन। फिर वही फॉर्मूला यहीं पे हमें पुट आउट कर देना है। तो चलो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना लेके डायरेक्ट लिख लेते हैं। थ्री एम का क्यूब प्लस का कितना हो जाएगा, टू का क्यूब बी स्क्वायर प्लस में थ्री ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बी यानी इंटू टू जोर थ्री बी का स्क्वायर प्लस थ्री ए, ये है ना। चलो भाई हो गया, यानी कि चलो इसको गुणा करते हैं, सताइस एम का क्यूब प्लस दो दूना चार, चार दूना आठ प्लस तीतरी का तीन दूना छः और तीन तीतरी का नौ, नौ दूना अठारह एम प्लस तीन दो दूना चार, चार तीन बारह, बारह तीन कितना हो जाएगा छत्तीस एम। चलो एक जगह हम एम को करते हैं, सताइस एम का क्यूब प्लस का अठारह एम प्लस का कितना छत्तीस एम, और प्लस का कर देते हैं हम बगल में इसको आठ को इस साइड। चलो यहाँ पे अब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ना है तो छोड़ दीजिए। नौ को डायरेक्ट कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नौ तेरी सताइस एम क्यूब, नौ दूना कितना अठारह प्लस नौ चौका छत्तीस एम, बट्टा में कितना हो जाएगा एम, प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास आठ। तो इक्कीस रूप का हो जाएगा, यानी कि ये भी उसी रूप में हो जाएगा कि इसीलिए नाइन एम प्लस वन के रूप का है इक्वेशन नंबर थ्री। अब आंसर जो है आपको कैसे लिखना है इस चीज को यहाँ आप देख लीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पे कि इसीलिए समीकरण एक दो तीन धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे आप लोग एक्सरसाइज 2.1.2 जो है रीड कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।